अगर आपके मन में कभी भी ये कंफ्यूजन हुआ है कि आपका गोत्र क्या है, तो इस कंफ्यूजन का सलूशन है इस कहानी में। दरअसल ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले उन्होंने अपने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। वहीं अपने सभी पुत्रों को होने के बाद दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनमें से 27 नक्षत्र और तारा थी। इसीलिए उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, अथवा बची हुई 13 का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ, और यही सभी संबंध आने वाली सृष्टि की रचना का आधार बने। अब ऋषि कश्यप की पत्नियों में से अदिति ने अदित्यों को जन्म दिया, अर्थात देवों को, जिनमें से सूर्यदेव ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत बने एवं इंद्रदेव देवताओं के राजा बने। दीति के पुत्र दैत्य बने, जिनमें से सबसे बड़े थे हिरणाक्ष एवं हिरण्यकश्यप। दनु ने दानवों को, अरिष्ठा ने गंधर्वों को, मुनि ने अप्सराओं को, कद्रु ने नागों को, विनाता ने गरुड़ों को, सुरासा ने नागों के दूसरे वंश को, सुराभि ने गौ माताओं को, क्रोधावेशा ने विष वाले जीवों को अर्थात बिच्छू जैसे जीवों को, और ईरा ने रेंगने वाले जीवों को जन्म दिया। महर्षि कश्यप के पुत्र मनु से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने की वजह से ही हमें मनुष्य कहा जाता है। इसी वजह से हम जितने भी पशु, पक्षी, जानवर, देवता, दैत्य, मनुष्य हैं, हम सभी सगे भाई हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम सभी संतान हैं। इसीलिए हम सभी कश्यप गोत्रीय हैं। अगर आपको अपना गोत्र नहीं भी पता हो, तो आप कश्यप गोत्र से अपना कोई भी पूजा पाठ संपन्न करा सकते हैं।